अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला इलेक्ट्रिशियन। ये जो गाड़ी है टोयोटा यारिस है, 2011 मॉडल है। अच्छा जी, कस्टमर की कंप्लेन थी कि रोड पे चलते हुए गाड़ी पिक नहीं पकड़ती और सेकंड में गियर सही शिफ्ट नहीं करती। तो गाड़ी हमने चलाई है, इसकी जो स्पीडोमीटर वाली नीडल आई है 100 से ऊपर नहीं जा रही स्पीड, और गाड़ी में पिक भी नहीं है। इसमें दो DTC आ रहे हैं, P0327 नॉक सेंसर सर्कल लो इनपुट टॉक कन्वर्टर क्लच सोलेनोइड सर्कट हाई। ये नीचे इसलिए आ रहा है, इसका जापानी गियर डलवाया है इन्होंने 2 दिन पहले। उससे पहले इसका और मसला था गियर में, जब आप जापानी गियर डलवाएंगे तो ये DTC आपका नहीं जाएगा। अब गाड़ी में जो मसला है, ये गाड़ी पिक नहीं है। अब बाहर चलते हैं, सबसे पहले नॉक सेंसर को खोलते हैं। मैनिफोल्ड हमने ओपन कर दिया है इसका। इसका आपको नॉक सेंसर की लोकेशन जो मिलेगी, ये ब्लॉक के बिल्कुल सामने मिलेगा आपको। ये लगा होता है, इसकी टोटल 2 वायर हैं, दोनों वायर ECM में जा रही हैं, एक ग्रीन है और एक आपकी रेड है। एक आउटपुट सिग्नल है और एक ग्राउंड की वायर है, दोनों वायर ECM में आती हैं। फॉल्ट भी मिल गया, ये दोनों वायर देखें जी शार्ट हो गई हैं। शार्ट होने की सूरत में ECM को रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। अच्छा जी, रॉन्ग सिग्नल मिलने की वजह से गाड़ी के अंदर पिक ख़त्म हो गई है। उसकी वजह ये है कि इस सेंसर का बेसिकली काम ये होता है कि ये इंजन के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन होती है, अगर इंजन के अंदर मसला आ गया तो ये ECM को अपना सिग्नल देगा। ECM आगे करता है जी इंजन को बैलेंस करने के लिए, फ्यूल को कम करता है और ज़्यादा करता है। वायरें शार्ट होने की सूरत में ECM को गलत सिग्नल मिल रहा था, जिससे गाड़ी के अंदर रेस नहीं थी सही, ज़्यादा पिक नहीं थी और गाड़ी 100 से अबव नहीं थी जा रही। ये प्रॉब्लम थी जी, पहले हमने इसको क्लियर करना, फिर आगे देखेंगे हमारी गाड़ी में मसला क्लियर होता है कि नहीं। सबसे पहले हमने इसको क्लियर करना है वायरिंग को। तो ये ओपन कर लेते हैं, ये शील्ड गर्म होने की वजह से वायरें ख़राब हुई हैं और दोनों वायरें शार्ट हो गई हैं। जब ग्राउंड और सिग्नल की वायर को आप मिला देंगे, ECM को रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, जिससे फिर आपको पता है ये इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। तो ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें, अगर इस तरह का मसला आता है तो पहले ये चीज़ें भी आप कन्फर्म किया करें। अब ये जो दो वायर हैं, ये जो जहाँ से भी शार्ट हुई हैं, इसको हम खोल के अच्छे तरीके से पहले रिपेयर कर लेते हैं। रिपेयर करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छे से टेप करनी है, उसके बाद इसके ऊपर हम स्लीव लगा देंगे। स्लीव लगाने के बाद इसका मैनिफोल्ड भी हम पहले फिक्स कर लेते हैं। सर, वायरिंग भी ओके कर दी है, ये सेंसर भी हमने तब्दील कर दिया है, ये इतना महंगा नहीं है, तो इसको लगा लेते हैं। लगाने के बाद मुकम्मल फिक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और रोड पर ड्राइव करते हैं और चेक करते हैं मसला क्लियर हुआ है कि नहीं। पहले वाला स्कैनर की बैटरी टोन हो गई है, तो इसे अब चेक करते हैं जी। यारस है 11 ओके, कम्युनिकेशन प्लीज वेट। यहाँ से सिस्टम सिलेक्शन, ऑल सिस्टम, इंजन एंड ECT में जाते हैं, ओके करते हैं। रीड फॉल्ट कोड ठीक है, क्लियर, यस ओके ठीक है, ये पेंडिंग में रह गया सर। गाड़ी स्टार्ट कर दी है और अब हमने क्या करना है, इसको रोड पे लेके चलते हैं गाड़ी को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में अब पिक का जो मसला था और जो 100 से अबव नहीं थी गाड़ी जा रही, वो देखते हैं जी। हमारी गाड़ी अभी तो रेस ले रही है सही, तो देखते हैं जाके। हाँ जी, की सूरत हाल है? नहीं माशाल्लाह ओके, नॉब का इशू सी
ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ गाड़ी में जो गियर का मसला और जो पिक का मसला था और ये देखें जी इसकी जो स्पीडोमीटर वाली सुई है 150 तक जा रही है माशाल्लाह जी। गाड़ी की गियर शिफ्टिंग भी ओके हो गई है और गाड़ी में पिक भी आ गई है ये देखें जी। काफ़ी टाइम से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसला क्लियर हो गया है। तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।